हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो फोर्थ T20 होने वाला है, बहुत ही अच्छी मैच होगा और बहुत ही फुल प्रॉफिट वाली मैच होने वाला है ये जो मैच होगा। और ये जो पेंडेमिक यानी कि जो COVID-19 है, इसकी वजह से यार सभी देशों में बहुत ही हालचाल मच गई है। और ये जो क्रिकेट की दुनिया है, इसमें भी यार हालचाल मच गई है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ये जो आयरलैंड वैसे साउथ अफ्रीका की जो काल मैच हुआ था, किसी तरह की मैच हुआ है। आप सबने देखा है जो क्रिकेट देखता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि मैं आप लोगों को जो प्रेडिक्शन देता हूँ वो सही है। लेकिन यार ये जो पैंडमिक है, पैंडमिक की वजह से कुछ इधर उधर हो रही है, तो वो बातें आप लोग दिल में मत लो। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की जो लॉस अब तक हुआ है वो कवर करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट आप लोगों को जरूर मैं दिखाऊंगा। ये जो 100 बॉल ओवर जो T20 शुरू होने वाला है, वो भी शुरू होने वाला है जो 22 जुलाई से, और T20 ब्लास्ट भी है इस 16 तारीख से। तो बहुत बहुत मैच है, आप लोगों को मैं जरूर प्रॉफिट निकाल के दूंगा, उतना भरोसा मुझ पर रखो। तो यार वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका जो ऑस्ट्रेलिया की मैच है, इसकी फोर्थ T20 के बारे में बात किया जाए, तो दोनों टीमों की अगर देखा जाए तो यार बॉलिंग बैटिंग आप लोग देख रहे हो कि किसकी अच्छी है और किसकी बुरी चल रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो मिचेल स्टार्क ये फॉर्म में है, लेकिन कोई भी बॉलर उतना अच्छा फॉर्म में नहीं चल रही। जो जेस हॉयसलुट है, ये जो एडम जाम्पा है, उसके साथ साथ ये जो मिचेल मार्श जो एक अच्छे ऑलराउंडर है, ये भी फ्लॉप रहा है इस T20 सीरीज पर। लेकिन यार वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करूँ तो जो क्रिस गेल है, ये भी यार बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हारने के बाद। इस वेस्ट इंडीज़ टीम की सभी प्लेयर को यार एक जोशी आ गई है, वो क्या बताऊँ कि इतनी अच्छी खेल रही है, जो सोचा भी नहीं था वो हो रही है, वेस्ट इंडीज से प्लेयर कर रही है। और ये जो लास्ट T20 था, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने खराब खेला है था, T20 भी हार गए ऑस्ट्रेलिया ने, और ये जो बहुत ही बुरी तरह से हारा है, 14-15 वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल कर ली। तो बहुत ही एक शर्म की हार ये भी हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ये जो निकोलस पोरन लीड कर रही है टीम को, बहुत एक अच्छी यूनिटी चल रही है इस वेस्ट इंडीज टीम को। किरण पोलार्ड ना होते हुए भी इतनी अच्छी खेल रही है, आप लोग सभी को मालूम है कि किरण पोलार्ड क्यों नहीं खेल रही है। लेकिन ये जो क्रिस गेल है, शिमरन हेटमायर है, या फिर ये जो ब्लेंडी सिमोन्स है, एंड्रू फ्लेचर, जो भी प्लेयर है यार अच्छी खेल रही है। और उसके साथ साथ जो एंड्रू रासेल है, ये भी फॉर्म में, जॉन ब्रावो भी अच्छी फॉर्म में है। और बॉलिंग की बात करूँ तो ओबेट मैकॉय तो नहीं खेल रही है, लेकिन उसकी जगह से जो शेल्डन कॉटेल या फिर ये जो वालेस, और इसके साथ साथ जो डॉन ब्रावो, एंड्रू रसेल बॉलिंग कर रही है, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर की कुछ अच्छी खासा नहीं चल रही है, वो फ्लॉप रहा है जो बॉलिंग है, बॉलिंग पर भी बहुत ही बुरी कर रही है ये जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और ये जो बैटिंग लाइनअप पे भी कुछ नहीं कर पा रही है। जो मिडल ऑर्डर है वो तो क्या बताऊँ कि क्या खेल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है या फिर ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री डिवीजन खेलती है ए टीम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया टीम है, अगर फॉर्म में आ जाएगा ना, फॉर्म में आ गया तो सोचो कि वेस्ट इंडीज की धज्जियाँ उड़ा सकती है किसी भी वक्त पर। ये जो टीम है वो धज्जियाँ उड़ा सकती है। एरोन फिंच को और भी अच्छा खेलना पड़ेगा, अपनी ओपनिंग जो पार्टनरशिप है ये जो थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। मैथ्यू वेट को धीरे समझ के खेलना पड़ेगा, मैथ्यू वेट एक अच्छी समझदार प्लेयर है। और उसके साथ साथ जो ये जो एडम जाम्पा है, एडम जाम्पा तो यार क्या बात हो, बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हो रही है एडम जाम्पा की। तो मुझे लगता है कि इस मैच में एडम जाम्पा ने कम बैक कर सकती है और अच्छी इनिंग से खेल सकती है जो एडम जाम्पा है। तो यार ये जो दोनों टीमों की जो लड़ाई होने वाला है डेरेन सेमी स्टेडियम पर होगा, और इस पिच की अगर फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर देखा जाए तो वो हो सकती है 140 से 150 तक, और सेकंड इनिंग्स एवरेज स्कोर देखा जाए तो 130 से 140। तो यार इस पिच पर अब तक 26 मैचेस हुआ है, 26 मैचों में यार 12 मैच जीता है फास्ट बैट यानी कि डिफेंडेड टीम ने, और 14 मैच जीता है चेजिंग टीम ने। तो जो भी टीम चेस करेगा उससे टीम के लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है। लेकिन ये जो वेस्ट इंडीज की पिच है, ये जो डेरेन सेमी की पिच है, ये स्टूडीज से स्टेडियम की अगर देखा जाए तो यार फास्ट बैट से सेकेंड बैट को ज़्यादा चांसेस मिलती है। लेकिन फास्ट बैट करके अगर आप लोग 170 तक रन बना लेती है, 160 से 180 तक रन बना लेती है, तो वो मैच फास्ट बैट ही जीतने वाला। और एक बात है वो है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया हार रही है ठीक है, लेकिन यार इस पिच पर हाइस्ट चेज अगर देखोगे तो वो ऑस्ट्रेलिया की है, 197 रन भी चेस कर दिया था ये ऑस्ट्रेलिया टीम ने, इसी टीम ने। तो देखते हैं क्या। तो अगर दोनों टीमों की कंपेयर किया जाए तो बैटिंग बॉलिंग दोनों ही वेस्ट इंडीज़ बहुत ही बेहतर खेल रही है इस ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यार वेस्ट इंडीज़ प्लेयर की कोई भी भरोसा नहीं है।
फोर्थ T20 की जो विनर होने वाला है, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ये मैच 100% जीतेगी। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोगों की सोच है, आप लोगों की दिमाग है उससे कम कर लेना, लेकिन मेरी राय है ऑस्ट्रेलिया विन ऑफ दिस मैच। तो चलते हैं आज के लिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। उसके साथ गाइस बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, क्योंकि मेरी अपडेट सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। मैच प्रेडिक्शन की जो हर एक मैच है उस मैच की रिपोर्ट आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो चलते हैं आज के लिए।